तो अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम फाइनली मैथ का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 ये आप देख सकते हैं, सारे ओपन करें चैप्टर 4। तो जो फार्मूला मैं आपको आज बताने लगी हूँ, ये चैप्टर 4 पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा। मास्टर लेवल में चले जाएंगे तब भी ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। ये फार्मूला मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। चलें अब आप लिखना स्टार्ट करें। हाँ, आप लिखना स्टार्ट करें। ये फार्मूला एक फार्मूला है, आपके नस्लें ये फार्मूला याद करेंगी। ये जे डॉट बबली का फार्मूला है, ये इसे याद करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर, पूरी मैथमेटिक, पूरा मास्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला है अंडर रूट 2.5.8.9.BC.515.95565, फिर आपने नीचे स्लैश लानी है, डॉट अंडर रूट B.C.D.8 और फिर उसके बाद है -C.D.3। बस इतना सा फार्मूला है, ये याद करें आप सब कुछ। तो आज जो थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ, ये है टिंकी पॉइंट ई की थ्योरी है ये। तो आपने जो मैं कहूँगी आपने नोट डाउन करते रहना है ताकि आप सही तरह से लिख सकें और आप इसको समझ सकें कि जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप बोर्ड में फेल हो जाएंगे पक्के, आप लाइफ से छुट्टी काट जाएंगे। चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। बकेट प्लस एप्पल इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बकेट प्लस एप्पल इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी। तो ये छोटा मोटा ला नहीं है, इसको आप सीरियस हो के आपने इसे पढ़ना है। तो इसे आप पढ़ेंगे आपको समझ जाएगी कि ये एक हिस्ट्री है। बड़े बड़े साइंसदान इसे हार गए हैं देखते हुए, कोई मिरेकल हुआ था ये। तो ये थ्योरी आपको बहुत काम आएगी बोर्ड में। अगर आपको ये थ्योरी आती हुई तो समझो आप इसमें अपने टॉप काट लिए फिजिक्स। तो अब मैं समझा देती हूँ, ये थ्योरी ऐसी है कि एक बंदा था, उसने बकेट में 2 एप्पल्स डाले। तो जब वो सुबह उठा तो उसकी बकेट में स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी। मैम ये समझ नहीं आई, बकेट प्लस एप्पल इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी कैसे हो गया ये? यानी ये थ्योरी आप मुझे समझाएं कि ये कि क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आई, बड़े बड़े साइंसदान हार गए हैं ये थ्योरी करते करते। बस आप इसे याद करें जो मैंने आपको दिया, आपको समझ आ गया। मैं यहाँ पे थक गई हूँ समझा। तो क्लास आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इकोनॉमिक्स का मेथड ऑफ D.3, तो सब लोग रेडी हो जाएंगे। Two thousand years later. आ रही है समझ के? नहीं आ रही।